दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले कंप्लीट इफ फंक्शन के बारे में। अगर आप एक्सेल में बिगिनर हो या फिर आपको इफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप ट्रबल महसूस करते हैं इफ लगाते टाइम, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक से और वहां पर हम सीखेंगे एडवांस ट्रिक्स, नेस्टेड इफ क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, इफ के साथ में लॉजिकल फंक्शंस को यूज करके एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को यूज करके और भी सुपर एडवांस हम यहाँ पर लॉजिक कैसे लगा सकते हैं। आइए सीखते हैं इफ का बेसिक फंडा क्या है। देखिए इफ का मतलब होता है कंडीशन, यानी कि कोई भी कंडीशन अगर आपको फुलफिल करनी हो ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में तो हम इफ का यूज करते हैं। आप यहाँ पर डेमो देखिए, थ्योरी में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एकदम बिल्कुल डेमो पे आते हैं। ये देखिए मेरे पास में एक टेबल है, उस टेबल में मेरे पास में कंडीशन क्या है दोस्तों कि ये जो मार्क्स है ना, अगर इनमें से ग्रेटर देन 70 है तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए पास, अदरवाइज मुझे चाहिए फेल। ओके, तो ये इफ की सहायता से हम कैसे करेंगे, ये देखिए बराबर का निशान दबाएंगे और यहाँ पर इफ का फॉर्मूला हम पिकअप कर लेंगे टैब से। नाउ देखिए आपके पास में सिंटैक्स आ गया है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है दोस्तों कि लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, यानी कि आपकी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है कि यानी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 70, सिंपल। देन कॉमा प्रेस कीजिए, अब कह रहे हैं कि वैल्यू ट्रू, यानी कि अगर आपका ये लॉजिक ट्रू होता है यानी कि कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि इस सेल में जो भी नंबर्स हैं अगर वो ग्रेटर देन 70 है तो आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट रिटर्न करना है, पास। तो देखिए जब भी आपको टेक्स्ट में रिजल्ट रिटर्न करना है तो उसको डबल कोट्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स PASS पास लिख देता हूँ, देन डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा। अगर मेरा ये वाला लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है यानी कि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू अगर 70 से ऊपर नहीं है, यानी कि 70 से नीचे है या 70 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे फेल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं। कंट्रोल के साथ में इस फॉर्मूले को डी कर सकते हैं या फिर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज इसलिए चेंज हो रही है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पर रैंडम का एक फॉर्मूला पिकअप किया हुआ, इसलिए वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। तो जैसे मैं इधर कुछ भी एंट्रीज करूंगा या कुछ भी की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर एंट्रीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो इफ की कंडीशन है ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है और इसकी सहायता से हम ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे हमारे रिजल्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इसी इफ के आधार पर अगर मुझे कंपैरिजन करने हैं तो लाइक मैं आपको एक नई शीट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए वही सेम सीट है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में जो ऑपरेटर्स हैं वो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे दोबारा लगाते हैं इज इक्वल टू इफ, और यहाँ पर मैं रेफरेंस देता हूँ इसका आदर ग्रेटर देन 70, देन कोमा और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ पास, और डबल कोट्स के अंदर मैं जो अगर फेल और देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंट्रोल डी कर देते हैं, नाउ फाइन। अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास में 70 है ना, वो नंबर वाला स्टूडेंट भी फेल हो रहा है। अब मुझे करना है क्या दोस्तों कि इस 70 नंबर वाले स्टूडेंट को भी मुझे पास करना है, क्योंकि जिसके 70 आ रहे हैं या 70 से ज्यादा हैं वो वाला स्टूडेंट मेरा पास में आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, छोटा सा एडिट करेंगे, F2 से फॉर्मूले का एडिट कीजिए और यहाँ पर देखिए जो ग्रेटर देन आपने लगाया ना दोस्तों उसके पहले भी लगा सकते हैं या उसके बाद में भी आप इज इक्वल टू लगा दीजिए, एंटर हिट कर दीजिए और यू कैन सी द मैजिक। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं इफ के साथ में कोई भी ऑपरेटर अगर आप यूज करेंगे तो आप अपनी कंडीशन को इस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी ले सकते हैं, लेस देन इज इक्वल टू भी ले सकते हैं और नॉट इज इक्वल टू भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीके से कंपैरिजन हो गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि इफ का आप और भी कस्टमाइज यूज कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स के मामले में आप इफ को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैंने डेटा लिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए सर्कल है, ये राजस्थान सर्कल है, उसमें टीम्स हैं, उनकी सेल्स ये हैं। अब मेरे पास में कंडीशन क्या है दोस्तों कि यानी कि जिस भी टीम ने ग्रेटर देन 70,000 से ऊपर अगर किसी भी टीम ने सेल्स की है तो उसको 20% यहाँ पर बोनस मिल जाएगा उस एग्जिस्टिंग सेल्स का, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि अदरवाइज ब्लैंक आ जाएगी। सिंपल सी कंडीशन हो गई दोस्तों, दो ही कंडीशन हमारे पास में। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर ये 70,000 से ऊपर की सेल है तो उसको 20% कमीशन मिल जाएगा बोनस में, और अगर नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास में ब्लैंक आ जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपली क्या करना है, इज इक्वल्स टू इफ, और यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है दोस्तों, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 70,000, तो मैं यहाँ पे 70,000 टाइप कर देता हूँ, सिंपल, देन कोमा। अब ये कह रहा है कि अगर ये वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो आपको क्या करना है, तो मुझे क्या करना दोस्तों, सिंपली क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो मेरी D7 है ना, उस D7 को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, D7 मल्टीप्लाई 20%, ओके, देन कोमा पॉइंट, कोमा टाइप कीजिए। अगर मान लीजिए ये वाली वेल्स यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, यानी कि आपका जो भी सेल्स है वो 70,000 से ऊपर नहीं, 70,000 से नीचे है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना दोस्तों, ब्लैंक आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए, या जीरो आए या ब्लैंक आए। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक टाइप करना चाहता हूँ, तो ब्लैंक के लिए देखिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ओपन कोट्स डबल कोट्स। अगर आप जीरो लिखना चाहते हैं तो सिंपली जीरो टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट कर दीजिए और कंट्रोल डी के साथ में फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, यू कैन सी द मैजिक। अगर आप जीरो टाइप करवाना चाहते हैं तो सिंपली फॉर्मूले का एडिट कर लीजिए और डबल कोट्स को हटा के आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं और ये कंट्रोल डी के साथ में फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं।
तो दोनों ही कंडीशन आप कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत यूजफुल ट्रिक्स थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप ये सब इतनी सीखना ही चाहते हैं तो वाकई प्लीज एक बार लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप ओपन करें, एक बार खाली प्रैक्टिस करना मेरे साथ में, आप 101% ये सब कुछ आसानी से सीख जाओगे। नाउ मूविंग टू दी सुपर एडवांस फॉर्मूला नेस्टेड इफ। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट डेमो पे आते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे पास में छोटी सी टेबल्स है और इसमें मैंने डेट्स के भी यहाँ पर कुछ डेज में एजिंग निकाली और उन एजिंग को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाई एजिंग वाले मेरे कौन से यहाँ पर नंबर्स हैं। ओके, तो उन पर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, सिंपल। तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली आपकी कंडीशंस हैं, यानी कर यहाँ पर जो वैल्यूज है अगर वो 0 से 15 के बीच में तो मेरे पास में ये वाला रिजल्ट आ जाए, अगर 15 से 30 है तो ये वाला आ जाए, और अगर ग्रेटर देन 30 तो मेरे पास में ये वाला रिजल्ट आ जाए। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको इफ का कैसे आप कस्टमाइज करेंगे, बराबर का निशान दबाएंगे, इफ का फॉर्मूला पिकअप कर लेंगे, टैब से इसको एक्टिव कर लेंगे, लॉजिकल टेस्ट। तो देखिए आपको पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है, यानी कि 15 से कम है तो मेरे पास में ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट देता हूँ, ये वाली वैल्यू अगर लेस देन है 15 देन कोमा, तो मेरे पास में रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ये रिजल्ट मेरे पास में आना चाहिए। आइदर आप इसका रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे टिक करके किसी भी सेल का दे सकते हैं, आइदर आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसका यहाँ पर रिजल्ट दे दिया और इसको मैंने F4 से लॉक भी कर दिया है दोस्तों। नाउ फाइन देन कोमा, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये वाला लॉजिक आपका अगर फॉल्स होता है तो आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट चाहिए। अभी तो मेरे पास में कंडीशंस और हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास में आ जाएगी कंडीशन और हैं तो आप दोबारा से इफ इसके अंदर ऐड कर सकते हो, यानी इफ के अंदर इफ यूज करेंगे देन इट इज इक्वल टू नेस्टेड इफ। तो मैं यहाँ पर इफ का दोबारा से यहाँ पे यूज शुरू करता हूँ, तो मैंने इफ का फॉर्मूला दोबारा से एक्टिव कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पर फिर दोबारा से आपको लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल टेस्ट वही देना है कि आपकी जो D7 में जो भी वैल्यू है अगर वो लेस देन 30 है, ओके कितनी है लेस देन 30 है तो आपके पास में क्या रिजल्ट आना चाहिए दोस्तों, ये वाली मेरे पास में वैल्यू आनी चाहिए। इसको भी मैं F4 से लॉक कर देता हूँ। अगर ये भी मेरा लॉजिकल टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि फॉल्स हो जाता है, तो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, देन कोमा प्रेस करेंगे और ये वाला रिजल्ट दे देंगे और इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, सिंपली एंटर। ये देखिए दोस्तों कंट्रोल डी से फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर ड्रैग होकर आ गए हैं। आई होप सो एजिंग का ये फंड आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी कि सर एजिंग का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया है और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आपको 100% ये अच्छे तरीके से आएगा। नाउ मूविंग टू द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, इफ विद एंड और एंड नॉट गेट। ओके, इनको हम वन बाय वन समझते हैं। देखिए पहले हम समझेंगे एंड गेट के बारे में, फिर समझेंगे और गेट के बारे में, फिर नॉट गेट के बारे में। देखिए एंड गेट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, जैसे ए एंड बी, राम एंड श्याम। तो कोई भी एक्सेल की भाषा में अगर हम इसको बोलेंगे कि कोई भी दो कंडीशंस को अगर हमें जोड़ना है तो हम एंड का यूज करते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला आना, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर पहले फॉर्मूले को इसको ड्राइव करके बताता हूँ कि काम कैसे करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, ऊपर वाली मेरे पास में कंडीशन है कि अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 70 है तो मेरे पास में रिजल्ट ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आए। तो मैंने यहाँ पर एंड का फॉर्मूला पिकअप किया और मैंने एक कंडीशन डाली कि अगर ये वाली मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है देन कोमा, दूसरी कंडीशन भी ये डाल देंगे D7 अगर ये मेरी लेस देन 70 है, अगर ये सब सही है यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मेरे पास में ये ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास में रिजल्ट आ गया ट्रू और इस रिजल्ट को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, सॉरी ठीक है। तो ये देखिए कुछ जगह पे फॉल्स आया और कुछ जगह पे मेरे पास में ट्रू आ गया है। ओके नाउ फाइन, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सिंपल सा अगर देखेंगे यानी 50 से 70 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर इस तरीके की कंडीशन आपके पास में आ जाती है तो आपको इफ के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई रिजल्ट रिटर्न करना है, जैसे मान लीजिए अगर 50 से 70 के बीच में कोई वैल्यू है तो आप उसको कुछ भी यहाँ पर ग्रेड देना, जैसे मैं मान लीजिए ए लिखना चाहता हूँ, बी लिखना चाहता हूँ, यानी कोई भी ग्रेड अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो इस कंडीशन के बिहा पर अगर आपको कोई रिजल्ट रिटर्न करना है तो आप क्या करेंगे, इफ के साथ में इस फॉर्मूले को मर्ज कर देंगे। कैसे करेंगे, मैंने F2 के साथ में फॉर्मूला एडिट कर लिया, एंड से पहले आपको सिंपली इफ टाइप करना है, फॉर्मूले को एक्टिवेट कर लीजिए। अब ये इतना यानी एंड वाला फॉर्मूला है ना, ये आपका लॉजिकल टेस्ट हो गया, यानी कि अगर ये ट्रू या फॉल्स अगर यहाँ पर रिजल्ट आता है तो उसके बिहा पर आप यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर इसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो आप मान लीजिए यहाँ पर मुझे लिखना ए, डबल कोट्स में मैंने ए लिख दिया, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है फॉल्स तो मुझे यहाँ पर डबल कोट्स में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बी, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी से फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है वहां पर ए आ रहा है और जो कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है वहां पर बी आ रहा है दोस्तों। तो आई होप सो एंड का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं और वाले फॉर्मूले की तरफ। देखिए यहाँ पर दोनों ही कंडीशन अगर आपकी प्रूव हो रही है तभी आपके पास में रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों।
बट अगर आपको मान लीजिए कोई भी एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो उसके अंदर अगर आपको उसके अंदर ट्रू चाहिए तो आप उसके लिए और फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पर इस पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कंडीशन है कि अगर लेस देन 40 है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू लेस देन 40 है या ग्रेटर देन 60 है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो मेरे पास में यहाँ पर ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, और वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जैसे लेस देन 40 देन कोमा और फिर मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन 60 ब्रैकेट क्लोज एंटर कंट्रोल डी से मैं फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन मेरे पास में आ गई है। अभी अब अगर आपको इसके बिहाफ पर कोई रिजल्ट रिटर्न करना है तो सिंपली आप इस इफ के साथ में इसको मर्ज कर दीजिए। इफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, देन ये देखिए इतना मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये फॉर्मूला जो और वाला फॉर्मूला है मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया, देन कोमा प्रेस कीजिए। अब आपको क्या करना है कि अगर ये वाला जो फॉर्मूला अगर ट्रू रिजल्ट देता है तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए सी डबल कोट्स क्लोज देन कोमा। अगर ये वाला मेरा क्राइटेरिया है जो लॉजिकल टेस्ट, अगर ये मेरा फॉल्स आता है तो मुझे मान लीजिए यहाँ पर चाहिए ई, तो मैं डबल कोट्स के अंदर ई लिख देता हूँ, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर कंट्रोल के साथ में डी प्रेस कर दीजिए। Can see the magic. यानी कि कोई भी एक भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आपके पास में रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन अगर आपकी फेल हो रही है, फॉल्स हो रही है, तभी आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले की तरफ कि नोट का फॉर्मूला क्या काम आता है। दोस्तों देखिए नोट का फॉर्मूला ना सिंपल सा मीनिंग, अगर डिजिटल आपने पढ़ी है तो डिजिटल में सिंपल सा नोट का मीनिंग होता है रिवर्स। रिवर्स कैसे होता है देखिए समझिए, जैसे कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू इज ब्लैंक वाला फॉर्मूला हम ले लेते हैं। यानी कि सेल का मुझे पता लगाना है कि सेल में कोई वैल्यू है या नहीं है, तो जैसे मैंने इस सेल का एड्रेस दिया, ये सेल मेरी अभी ब्लैंक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो मैंने देखिए ट्रू आ गया मेरे पास में। हाँ ट्रू इसलिए आ गया दोस्तों क्योंकि ये सेल ब्लैंक है। अब मुझे अगर इसके रिजल्ट को रिवर्स करना है, यानी कि किसी भी फॉर्मूले को रिजल्ट को रिवर्स करना हो तो नोट का फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले को एडिट करता हूँ, इज ब्लैंक से पहले मैं नोट का फॉर्मूला इसमें मर्ज कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंटर हिट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फॉल्स हो गया दोस्तों, जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, मेरे पास में सेल ब्लैंक है, अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ तो ये देखिए ट्रू हो जाएगा, जबकि ये सेल मेरी ब्लैंक नहीं है। तो नोट का फॉर्मूला दोस्तों तब काम में आएगा जब आपको किसी भी फंक्शन का यानी किसी भी एक्सेल फॉर्मूले को रिवर्स रिजल्ट के लिए यूज करना हो तो आप नोट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेल से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स की और क्वेरीज के सॉल्यूशन के यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।